press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum, welcome to my channel technical MIUI. चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के पास Redmi Note 7 Pro डिवाइस है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। Redmi इंडिया ने ट्वीट किया है कि Redmi Note 7 Pro का न्यू अपडेट आ चुका है और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में जो वीडियो लैग की प्रॉब्लम थी, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम जो फ्रेम ड्रॉप्स होते थे, वो फिक्स हो चुके हैं। और साथ में आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दूँ, कुछ यूज़र्स को ये अपडेट दो दिन पहले ही मिल चुका है और कुछ यूज़र्स को अभी तक ये नहीं मिला है। तो यहाँ पर Redmi का कहना यह है कि आपको जुलाई के एंड तक सभी Redmi Note 7 Pro डिवाइसेस में ये अपडेट मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को सबसे पहले अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम अपडेट पर जाना है और यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट्स पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको अपडेट सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ रिसीव अपडेट्स अर्ली का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अगर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो Redmi जब भी अगली मरतबा अपडेट्स को रोल आउट करता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने Redmi Note 7 Pro डिवाइस को सबसे पहले अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ये अपडेट आपके Redmi Note 7 Pro डिवाइसेस में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल या परेशानी के लिए मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाली हम तो वीडियो अब तक पहुँचती रहे।